हमारे टॉप लीडर अमित निगम जी, उनके थ्रू मुझे विनोद स्वामी सर दिल्ली में मिले। जब मैं विनोद स्वामी सर को मिला तो अगले 2 महीने तक तो मैं दिल्ली में रहा, सिर्फ उनका ही नेटवर्क बिल्ड किया। मेरे से ज्यादा कमीशन उनका जनरेट होता था, मेरे से पहले रैंक्स उनके क्वालिफाई होते थे। लगभग लगभग जेड से लेके पर्पल डायमंड तक विनोद स्वामी सर मेरे आप जस्ट मिनट और तो विनोद स्वामी सर मेरे रैंक में प्रोमोशन में आगे थे जड़ से लेके पर्पल डायमंड तक, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उनका ही नेटवर्क बिल्ड किया। क्योंकि उस वक्त हमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और एनसीआर के अंदर बहुत स्ट्रांगली बिजनेस मिला और पूरा फोकस हमने वहां पे बिजनेस पे किया। तो जब हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो नेटवर्क बिल्ड करते वक्त आपको आपके टीम के अंदर अगर कोई स्ट्रांग लीडर मिल रहा है जिसका फेस वैल्यू बहुत अच्छा है, उस एरिया के अंदर आपका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, तो वहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो आपका एक ही ग्रुप बिल्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। आज हम क्या करते हैं, हमारे पास 5, 10, 15, 20 लोगों के अकाउंट्स है और उसमें से 4 एक्टिव है और 3 का फेस वैल्यू अच्छा नहीं है। उनके साथ आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो लोग कंपनी को और प्रोडक्ट को नहीं देखते, लोग हमें देखते हैं। और जब आप किसी के साथ मार्केट में जा रहे हैं, जो लीडर आपके साथ है उनका फेस वैल्यू अगर मार्केट में इतना स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। और फिर दिन रात हम उस लोगों के ऊपर मेहनत करते हैं और एक लीडर आपके टीम में कहीं ना कहीं नीचे होता है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसको बिजनेस समझ में आ गया जूम के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से, और वो जाके मार्केट में डेली मीटिंग्स कर रहे हैं और डेली बिजनेस लेके आ रहे हैं, और आप किसी और के साथ घूम रहे जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और जो आपके टीम के अंदर एक स्ट्रांग लीडर है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद काम कर रहा है, वो अच्छा रिजल्ट निकाल के लेके आ रहा है, तो उस वक्त आपको सबसे ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए, उस लीडर को देना चाहिए जो इंडिपेंडेंट काम करके रिजल्ट लेके आ रहा है। अगर वो अकेला काम करके उतना रिजल्ट लेके आ रहा है, उसको आपने अगर सपोर्ट दिया, वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम रिजल्ट आपको और ज्यादा दे सकते हैं। आपका टर्नओवर का स्पीड बढ़ सकता है और टर्नओवर का स्पीड जब आपका बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में बड़े रैंक्स क्वालिफाई करने के लिए होगा। यानी अंबर से जेड, जेड से पर्ल, पर्ल से सफायर, सफायर से रूबी, ये तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन डायमंड के बाद के जो रैंक्स है उसके लिए आपको वही लोग काम आएंगे जो आपके नेटवर्क के अंदर जो स्ट्रांग लीडर्स है, जो एक्टिव लीडर्स है, उन्हीं से सबसे बड़ा टर्नओवर आपके पास आ सकता है और वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट लीडर बन सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, यानी आपके नेटवर्क के अंदर अभी 10 लीडर काम कर रहे और 10 में से 4 लीडर इंडिपेंडेंट है, तो आप कम मेहनत में वहां से ज्यादा बिजनेस कर रहे। तो कोई भी लीडर अगर इनिशियल स्टेज पे अगर स्ट्रांग है और उसको हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट्स करने, रिक्रूटमेंट 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 रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट करने के बाद सामने से कहां से रिस्पॉन्स आपको ज्यादा मिल रहा है उनको शॉर्टलिस्ट करके सबसे ज्यादा काम उनके ऊपर करना है। उससे दूसरा बेनिफिट क्या होता है, आप जब किसी एक एक्टिव पार्टनर के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं तो बाकी के लोग आपको देख रहे हैं कि आप कितने बिजी है, आपके पास समय भी नहीं है, तो दूसरे कुछ लोग ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे आदमी के साथ घूम रहे जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बार बार फोर्स कर रहे हो और जो काम कर रहा है उसको आप छोड़ देते हो, तो जिसका इंटरेस्ट नहीं उसके साथ घूमेंगे वो तो क्या आपने फोर्स किया तो आपके साथ जाके किसी को प्लान देने के लिए बोलेंगे, लेकिन आपने फोन नहीं किया तो आपने काम में बिजी रहेंगे। तो नेटवर्क के अंदर हम कभी कभी फेल होते हैं या हमारा नेटवर्क तेजी से ग्रो नहीं होता है, तो उसके कई सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जो प्रैक्टिकल नेटवर्क बिल्ड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कहां पे काम करना चाहिए और कहां पे काम नहीं करना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे जब आपके नेटवर्क के अंदर अच्छे लोग आते हैं, वो नेटवर्क बिल्ड करते, तब आप बाकी लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस करके आगे बढ़ सकते हो और उस वक्त आपके पास रिजल्ट्स होते हैं तो बाकी लोगों का भी विश्वास बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग क्या देखते हैं, अभी तक तो इनका कुछ नहीं हुआ, ये मेरे को बोल रहे यहां तो लाखों करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, तो पहले ये कमाया उसके बाद मैं देख लूंगा। तो ये रिजल्ट आपको उन लोगों से मिलता है जो आपकी टीम में एक्टिव पार्टनर्स है। अगर आपने उनके ऊपर काम किया और ये बाकी लोगों को लाके दिखा दिया, देखो आपने भी ज्वाइन किया था, मैंने और अकाउंट्स बना दिए थे और इनके साथ मैंने काम किया तो इतना बड़ा रिजल्ट आ गया,
तो उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है हमें मार्केट से। तो नेटवर्क बिल्ड करना, उसको ऑटो मोड पे लेके जाना, यह सबसे बड़ा पैसिव इनकम है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ही पैसिव इनकम का बिजनेस है। यानी हमारे पास अल्टीमा की बोट है, 12 महीने के लिए हमारे पास एक पैसिव इनकम है, बहुत छोटा है, लेकिन यही पैसिव इनकम हम अगले 12 साल के लिए जनरेट कर सकते, कंटिन्यू कर सकते, राइट। अगर आज हमने नेटवर्क बिल्ड किया, अगले 5 साल, जैसे 5 साल में मैंने लगभग 4 लाख लोगों का नेटवर्क बिल्ड किया, आज से आपने अगले 5 साल में अगर 4 लाख लोगों का नेटवर्क बिल्ड किया, तो आज से 5 साल बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और आपके घर के अंदर अगर कोई नेक्स्ट पर्सन है जिसकी एज 18-19-20 साल की है, उसको आपने इस बिजनेस को हैंड ओवर कर दिया, तो 5 साल के बाद आप पूरा दुनिया घूम सकते हैं, आपके पास लाखों करोड़ों का मंथली इनकम हो सकता है और आपका बिजनेस ऑटो मोड पे हो सकता है, और हमारे परिवार का कोई भी नेक्स्ट पर्सन इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकता है, जिसको आपने 4-5 साल के अंदर ट्रेन भी किया है। तो नेटवर्क बिल्डिंग ये सबसे बड़ा पैसिव इनकम है हम सबके लिए, तो हमें फोकस करना है नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर। अब प्लैटिनम वर्ड के ऊपर हम सबका विश्वास है, क्योंकि कंपनी 6 साल से मार्केट में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, और इस प्लेटफॉर्म पे जब हम काम करेंगे तो अगले 5 साल हमारे मन में किंतु परंतु कभी नहीं आएगा कि ये कंपनी क्या करेगी, आगे कुछ होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि आज अगर हमारी देश की पहली 5 टॉप कंपनीज है, जिसमें रिलायंस नंबर 1 पे आती है, टाटा ग्रुप नंबर 1 पे आता है, अब अदानी ग्रुप नंबर 1 पे आता है पहले 5 के अंदर, बिरला ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो वर्ल्ड इंडिया के टॉप कंपनीज है, अब ये पूरे देश के अंदर सबसे बड़े कंपनीज है। तो ये कंपनी के ऊपर कोई डाउट नहीं करता जब इनके स्टॉक्स बाय करते, उसका कारण है इनके पास हजारों लाखों करोड़ के एसेट्स है, फैक्ट्रीज है, इनके वेयर हाउसेस है, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इनके ऊपर हर कोई ब्लाइंडली फेथ करता है। तो ऐसे आज प्लैटिनम वर्ल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। तो जो लोग आप टेक्नोलॉजी को समझ रहे, ब्लॉकचेन को समझ रहे, क्रिप्टो को समझ रहे, और जिनके पास इस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है, उनके लिए यह प्लेटफॉर्म ब्लाइंडली फेथ बन सकता है। यानी प्लैटिनम वर्ल्ड ने कुछ भी लाया तो हमें पता है यह प्रोडक्ट आने वाले समय में हमें बेनिफिट देगा। एप्पल जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो 6 महीना 1 साल पहले उसका प्रमोशन स्टार्ट करते हैं, और जब प्रोडक्ट कंप्लीट होकर मार्केट में आता है तो हजारों लाखों लोग एडवांस बुकिंग करते, प्रोडक्ट को बिना देके पैसे देते, और वो भी दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल, स्टोर में मिलने से पहले उसकी एडवांस बुकिंग होती है हजारों लाखों फोन की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एप्पल ने दुनिया का विश्वास जीत लिया है, वर्ल्ड का सबसे महंगे फोन के साथ वर्ल्ड का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का फोन है, ये सबका माइंडसेट बन चुका है। ऐसे ही प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में हम अब सोच सकते हैं 6 साल बाद कि प्लैटिनम वर्ल्ड के पास जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसके ऊपर हम ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम, बिकॉज ऑफ कंपनी के सीईओ का विजन। तो जब नए लोगों के पास हम चले जाते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होता है, बाजार का नॉलेज नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का नॉलेज नहीं होता है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है, तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी लेके आप चले जाओ, उनको कुछ उसमें कोई ज्यादा वैल्यू बड़ा नहीं दिखेगा जब तक उनके पास नॉलेज नहीं है। अगर आप इंडिया के किसी गांव में चले जाते और किसी को बोलेंगे कि आप आपने जमीन बेची, आपके पास पैसा आ गया, वो पैसा आपने घर में और बैंक में रखा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, आप रिलायंस के शेयर्स खरीदी करो या टाटा के शेयर्स खरीदी करो, वो बोलेगा उसकी गारंटी क्या है? उनको बैंक के ऊपर विश्वास है जहां 1 रुपया नहीं मिलने वाला चवन्नी, लेकिन वो टाटा और रिलायंस के स्टॉक बाय करके पैसे का ग्रोथ नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और यही हाल होता है मार्केट में जब हम नए कस्टमर के पास जाते हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी लेकिन गांव में बैठा हुआ आदमी, उसको कुछ भी पता नहीं है, और उसके पास जमीन का पैसा आ गया, उसके खेत में से रास्ता रोड चला गया, कोई एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया और उसको लाखों करोड़ रुपए मिल गया और वो सड़ रहा है पैसा, लेकिन वो देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ निवेश करके लाइफ टाइम पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर रहे। और 90% ऐसा ही होता है, जितने भी हमारे देश के आप जो बड़े सिटीज है जहां पे स्मार्ट सिटीज बन रहे, वहां जो आसपास की जमीन है शहरों के, वो करोड़ों के दाम में बिक रही है, और जैसे उनको करोड़ों रुपया मिलता है बिल्डर से, गवर्नमेंट से, वो जाके ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज खरीदते,
फिर उसको लेके जाके ढाबे पे खाना खाते हैं, गोल्ड खरीदते गले में डालते हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है, और चार पांच साल के अंदर वो सारा पैसा वो खत्म कर देते। और पांच साल पहले जो जमीन उन्होंने बेची थी वहां कोई फैक्ट्री लगती है, और पांच साल बाद उसी फैक्ट्री के मालिक के पास जाके बोलते हैं कि मेरे को वॉचमैन की नौकरी दो। अगर वही पैसा उन्होंने रिलायंस को दिया होता, टाटा को दिया होता और उनके स्टॉक बाय किए होते तो पूरी जिंदगी भर घर पर बैठ के खाते, लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से उन्होंने उस पैसे को जिस रास्ते से आया उस रास्ते से वापस कर दिया। तो जब हमारे पास नॉलेज होता है, हमें फ्यूचर पता होता है, तो हम वहां पे बड़ा काम कर सकते हैं। और आज अगर प्लैटिन वर्ल्ड के साथ इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला फ्यूचर है। पिछले 40 साल के अंदर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया जिन्होंने इंटरनेट के ऊपर बिजनेस किया। अगले 40 साल के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा वही लोग पैसा कमाएंगे जो ब्लॉकचेन पे आके बिजनेस करेंगे, जो क्रिप्टो बाजार में आएंगे। और हमारा नसीब अच्छा है कि शेयर मार्केट में जाके आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं और किसी कारण से मार्केट गिरता है और आपने रिलायंस के 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदी किए, तो आप मुकेश अंबानी को फोन करके पैसे वापस नहीं मांग सकते। ऐसा ही क्रिप्टो बाजार का है। क्रिप्टो बाजार के अंदर आपने कोई भी क्रिप्टो बाय किया, इथेरियम बाय किया, बिटकॉइन बाय किया, डॉजकॉइन बाय किया, कल इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा और इलॉन मस्क डॉजकॉइन को प्रमोट करते हैं, उसके मालिक नहीं है। हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा फ्यूचर के लिए। तो जैसे उन्होंने ट्विटर खरीदी किया, डॉजकॉइन का रेट 70% बढ़ गया 24 घंटे के अंदर। उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों का माइंडसेट होता है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, अब डॉजकॉइन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और लोगों ने उसके ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट किया, डिमांड और सप्लाई। तो यहां पे पैसिव इनकम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, और ये हम एक्टिव इनकम से बड़ा कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हजारों लोग हमारे बीच में, लाखों लोग हमारे बीच में, लेकिन उनको अभी ऐसा लग रहा है कि बस हमने जो प्रोडक्ट बाय किया है ये 12 महीने कैसे भी करके इसका मेंटेन हो जाए, इस पॉइंट को हम बेचे, पैसा प्रॉफिट थोड़ा बहुत आएगा चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा। लेकिन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। आपने अगर 1 लाख रुपए का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 10,000 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 50,000 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 5 लाख का बनाया, तो उसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख होगा। 10 लाख रुपया खर्चा करने में कितना टाइम लगेगा? एक गाड़ी लेके आएंगे, 1 घंटे में खर्चा हो जाएगा। जमीन खरीदने जाएंगे, 10 लाख में कोई जमीन मिलती नहीं है, राइट? तो 10 लाख के वैल्यू का एक ही चीज है, एक बेसिक कार खरीदी जा सकती है, और फिर उस पैसे का वैल्यू जीरो है बाद में। अब 2-4 साल उस कार को चलाओ, उसके बाद वैल्यू क्या है उसकी? पैसा खत्म हो गया। तो हम परमानेंट अपना पैसिव सोर्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ब्लॉकचेन, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और यहां पे दिन पे दिन अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज के चांसेस हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, सरकार इसके ऊपर स्टडी कर रही है। जैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेशंस लेके आएगी, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन जाएगी। और तब तक अगर हमने अपना नेटवर्क स्ट्रांग किया या अपना नॉलेज गेन किया, तो वहां से लेके आगे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और आज हम जिन लोगों के पास जाके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, वो ना बोल रहे आपको, लेकिन आने वाले 6 महीना साल भर के बाद वो न्यूज पे बैठ के सुनेंगे घर पे कि भारत सरकार ने क्रिप्टो बाजार को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया। उस दिन सबसे पहले उनको भगवान याद नहीं आएंगे, हम याद आएंगे। और आज हमें क्या लग रहा है, हर कोई रिजेक्ट कर रहा है हमें, किसी के पास भी जाते तो सब ना बोलते। लेकिन आज जो हम 20 बोर है, वो अलग अलग ट्री हो सकता है, उसको पौधा बनने में समय लग सकता है। जरूरी नहीं कि हर 20 टमाटर का है जो आज बोया दूसरे दिन ऊपर आ गया, राइट? अगर आप आम का बीज बोएंगे तो उसको कुछ दिन लग सकते हैं, नारियल का बीज बोएंगे तो उसको कुछ साल भी लग सकते हैं। तो हमने जो आज मेहनत की वो कहीं पे भी नहीं जाने वाली है, 6 महीना साल 2 साल बाद वो वापस आएगी। ऐसा बहुत बार हुआ है पिछले 5 साल के अंदर, कई सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास नहीं किया, बोले हो सकता है इंडिया की कंपनी होगी, कोई फॉरेनर का नाम लेके आप लोग चला रहे होंगे, ऐसी कंपनी को तो कोई गारंटी नहीं होती है, 6 महीने के लिए आती है चली जाती है। और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब पता चलता है उनको कि हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गई है, तो फिर वो दोबारा सोचते हैं हमने तो गलती कर ली, आप स्टार्ट करते हैं। तो जो समय निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आता है। लेकिन हमने जो मेहनत की थी 5 साल पहले 2 साल पहले 3 साल पहले, वो कहीं नहीं गई। जैसे उनको बाद में मार्केट से सक्सेस स्टोरीज पता चल जाती है, वो ऑटोमेटिक वापस आ जाते। तो हमारी मेहनत कहीं पे भी नहीं जाने वाली। आपने अगर 10, 20, 50, 100 लोगों को प्रोडक्ट समझाया लेकिन किसी ने बाय नहीं किया,
लेकिन वो 100 लोगों को ये पता चला कि आपका बिजनेस क्या है, किसके वजह से, हम उनके पास गए उसके वजह से, भले उन्होंने बाय नहीं किया। आपके दुकान के अंदर डेली 10 20 50 कस्टमर आते हैं, उसमें से दो चार बाय करते, 10 ऐसे चले जाते, लेकिन उनको यह पता चलता है कि इस दुकान के अंदर क्या क्या मिलता है। कोई कस्टमर दुकान में गया ही नहीं तो उसको क्या पता चलेगा दुकान के अंदर क्या है, लेकिन जो गया उसने कुछ नहीं खरीदा, उसको यह पता है कि इस दुकान में क्या मिलता है। और नेक्स्ट टाइम जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा घर और हमारा ऑफिस है, जब हम घर से निकलते ऑफिस के लिए और बीच में अगर कहीं चलते हैं मार्केट से, तो हमें पता है कि मार्केट के अंदर कौन से शॉप है, कपड़े का शॉप है, मिठाई का शॉप है, शूज का शॉप है, ग्रोसरी का शॉप है। और जब हमारे घर में कोई फंक्शन आता है, हमें फूल की जरूरत पड़ती है, तो जिस रास्ते से हम डेली गुजरते पिछले कई सालों से, तो सबसे पहले वो दुकान नजर आता है हमें जिसके सामने से हम डेली गुजर रहे थे। हमारे घर में मिठाई की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले कौन सा दुकान दिखता है हमें, जो पिछले कई सालों से हम डेली उसको देख रहे हैं लेकिन कभी मिठाई नहीं खरीदी थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वही दुकान दिखाई दिया जिसके पास से हम डेली गुजरते थे। यानी हमारे बारे में जब तक लोगों को पता नहीं होगा तब तक लोग हमारे पास नहीं आएंगे। दुनिया के सारे बिजनेस में एक जैसा ही है। आज आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे, इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे, कंपनी के बारे में बता रहे, यानी जितने लोगों को आपने बताते उनको सबको पता है कि आपका काम क्या है। यानी जब भी वो फ्यूचर में वो देखेंगे आपको, हाँ बोलेंगे क्रिप्टो वाले, राइट, प्लैटिन वर्ल्ड वाले बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं, क्योंकि वो भूल गए होंगे, लेकिन क्रिप्टो वाले जरूर बोलेंगे, बिटकॉइन वाले जरूर बोलेंगे। यानी वो सारे लोगों को पता है कि आप कोई बिटकॉइन का काम कर रहे हैं, आप कोई क्रिप्टो का काम कर रहे हैं, आप कोई ब्लॉकचेन का काम कर रहे हैं, आप कोई प्लैटिन वर्ल्ड का काम कर रहे हैं। और जब भी वो आपके बारे में किसी के साथ डिस्कशन करेंगे तो भी आपको इसी नाम से पुकारा जाएगा। तो क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ बैठ के डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम डर रहे हैं इन चीजों को, जो कल का फ्यूचर हमारा ब्राइट होने वाला है उसके लिए आज हम डर रहे हैं। अगर एक बच्चा मेडिकल में एडमिशन लेता है और वो ये देखता है 6 साल बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, 6 साल मेरे को अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा, किसने देखा है 6 साल, छोड़ दो डॉक्टर की पढ़ाई। लेकिन उसको ये पता है कि आज से 6 साल अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो 6 साल बाद मैं जब डॉक्टर बनूंगा तो मेरा मार्केट में समाज में मान सम्मान कितना होगा, मैं कितना बड़ा पैसा बना सकता हूं, राइट। सो थॉमस सर गुड मॉर्निंग, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप ऑफिस में आ गए शायद, जस्ट मिनट। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। कोई दिक्कत नहीं सर, इंतजार कर रहा था, सत्येंद्र तेवातिया सर नहीं दिख रहे थे, फिर आप दिखाई दे, ओके चलो, तो थोड़ा सा आप इसको कंटिन्यू कर लो, राइट सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमारा जूम मीटिंग बहुत जबरदस्त रहा, सुबह से लेकर सुबह का भी जूम अच्छा रहा और शाम को जो हमने पहला प्रेजेंटेशन दिया PLCUX का, अब 5-6 तरीके से हम लोग प्लान दे रहे हैं। और आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन अपनी कम्युनिटी में बिजनेस प्लान देना चाहता है? अगर कोई देना चाहता है तो आप लोगों को ओपन इनविटेशन है, आप यहाँ पर आकर रिकॉर्ड करें और अपनी कम्युनिटी के लिए बिजनेस बढ़ाएं। जो सतीश जी, दैट्स लाइक ए लीडर, सतीश जी यू आर वेलकम, आप आ जाइए और अपना टाइम जरूर बता दीजिएगा, आपका यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे पूरा सेशन। और भी लोगों को इसमें इनिशिएट लेना पड़ेगा। देखो लीडर अपने आप नहीं बनता, कोई भी लीडर बनने का प्रोसेस है, स्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। डॉक्टर जस्ट एक मिनट जी, जितने भी लीडर्स अभी सुबह के सेशन में है या आपके थ्रू अगर बाकी लीडर्स को मैसेज जाएगा, दिल्ली के बाहर जो भी लीडर्स है, गुजरात से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, साउथ से है, वेस्ट बंगाल से, ओडिशा से, अगर वो दिल्ली आना चाहते, थॉमस सर के साथ बैठ के अपने वीडियोस बनाना चाहते या प्लान प्रेजेंटेशन का वीडियो बनाना चाहते, तो उनको थॉमस सर के ऑफिस के पास जो भी होटल होगा वहां पे स्टे कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा मेरी तरफ से, उनको फ्लाइट के टिकट फ्री मिलेंगे। जो भी अच्छे स्पीकर्स है जिनको लगता है कि मेरा वीडियो बनना चाहिए ताकि कम्युनिटी के अंदर वो वीडियो जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा फेस वैल्यू जनरेट होगा पूरे मार्केट के अंदर, तो उनके फ्लाइट के टिकट्स और उनको होटल का स्टे कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा 2 दिन के लिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो लीडर्स इंटरेस्टेड है जिनको वीडियो बनाना है, वो थॉमस सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने अपना इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, देखो कितना बड़ा धमाका मिला है, दिवाली गिफ्ट दे दिया सर आपने सर।
बहुत बहुत थैंक यू सर। लेकिन सर इतना तो कंपनी हमें भी देती है, अभी हम अपना पे भी कर सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बहुत दिल से धन्यवाद। यहाँ पे लीडर्स बनाए जा रहे हैं और हम लोगों का पूरा यही रहता है, यस सर का तो पूरा कोशिश रहता है कि और लीडर्स अच्छे निकल के आए। देखो यू हैव टू कम आउट ऑफ द शेल, यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। जी संजू सर, जी सर, मैं ये चाहूंगा एक जो पीडीएफ सुबह शाम के प्लान की आप डिस्कस करते हो सर, अगर वो पीडीएफ भी हमें मिल जाए तो उसको हम एक बार स्टडी करने के बाद हम आपसे वो करें, प्लानिंग डिस्कशन करें वहां पे जाके, तो उससे ज्यादा बेटर मजा और भी आ जाएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है करने के लिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप लोगों के लिए है, रेडी पढ़ा है मेरे पास, आप अपना व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए और लिख दीजिए पीडीएफ। पीडीएफ नहीं दूंगा मैं आपको, पीपीटी दूंगा। पीडीएफ में तो चेंज नहीं कर सकते आप, पीपीटी में चेंज भी कर सकते हैं, कुछ अपना ऐड कर सकते हैं, है ना, तो ये भी हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम इतना ब्यूटीफुल होता जा रहा है कि एक दूसरे की कम्युनिटी का सपोर्ट होता जा रहा है। अब सतीश जी आप प्लान देंगे अपने ही स्टाइल में तो कितना मजा आएगा लोगों को। आपको तो वैसे दुनिया ने सुना होगा अलग तरीके से, जब यहाँ पर जूम से आप जब पीपीटी देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, एक फॉर्मेट, एक देखो हर चीज को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। आप जितने भी होटल्स देखें अगर उनकी रेसिपी चेंज होती जाएगी, जैसे आप एक बार आज दाल मखनी खा रहे हैं और कल आप जाते हो, एक सेकंड होल्ड करें जरा, मैं ये व्हाट्सएप एस्केप कर लूं, बहुत लोगों ने पहले आए आए करना शुरू कर दिया, एक सेकंड। जी सर, देखो सर जो अच्छी चीज है वो तो माननी है लोग सर आपसे, वो आपके पास छोड़ देंगे नहीं बिल्कुल भी, इन्होंने सीखना है सर। एक सेकंड सर, यस ये व्हाट्सएप ना हमें डिस्टर्ब करेगा ना, हमारे जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके सर, ओके, एक सेकंड सर। चलो अब ठीक है, मोबाइल पे भी आ रहा है पैरेलली, कोई बात नहीं, ये सबको पीपीटी मिलेगा। मैं कभी भी कोई चीज बनाता हूँ अपने लिए नहीं बनाता, अपनी टीम के लिए नहीं, सबके लिए बनाता हूँ, सबका ध्यान रख के बनाता हूँ। उसका कारण यह है कि मुझे ये पता है कि कम्युनिटी में जो हर कोई ग्रो करेगा ना, तो अपना तो बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, चलते फिरते लोग कहेंगे सर आप वही हो ना जो प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर दिखते हो आप, सर मेरे को आपके साथ बिजनेस करना है, ये पावर होना चाहिए। राज अरोड़ा जी तो उन्होंने लाइव टेस्टिमोनियल दिया है कि लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया है, लोग कहते सर राज अरोड़ा साहब आप हो। देखो जूम में भी बहुत बड़ी ताकत है, आपको आज ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना ये सब सुपरस्टार्स हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपनी को स्किल को डेवलप करना है। लगभग लगभग 50 व्हाट्सएप आ चुका है अभी तक, इसका मतलब सब काम करना चाहते हैं, सबको तरीके है। मैं बात कर रहा था होटल की रेसिपी की, आपकी दाल मखनी अगर रोज चेंज होती जाए उस होटल के अंदर, क्या आपको मजा आएगा, क्या आप दोबारा जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे। स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, कितना प्याज, कितना टमाटर, कितना मसाला, कितना ये, हमारा प्लान देने का तरीका सबका अलग अलग होगा, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। कब हमें एंट्री करनी है, कब हमें आइस ब्रेक करना है, कब हमें बोलना क्या है, क्या कंपनी का प्रोफाइल बताना है, अच्छा प्रोफाइल के साथ एलेक्स सर के बारे में बताना है, एलेक्स सर की जो एडिफिकेशन है वो कैसे करना है, उसके बाद एलेक्स सर के बारे में जो यूट्यूब पर लिखा हुआ है वो भी बता दो, मैं ये काम करता हूँ। उससे क्या होता है कि कस्टमर अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सारी बातें सुनेगा और घर जाएगा, रात को लगाएगा यूट्यूब, प्लैटिन कॉइन प्लैटिन वर्ल्ड इज ए स्कैम और नॉट। ओह भाई साहब बच गया मैं तो, 15 वीडियो देखेंगे वो और कहेगा भाई अगले दिन आपका फोन उठाना बंद कर, पहले ही दिखा दो। अपना प्लान देने का तरीका यही है, फोन खोला सर देखो यूट्यूब में राम के लिए भी गलत बोलते हैं, मोदी जी के लिए भी गलत बोलते हैं, देखो एलेक्स सर के लिए भी गलत बोल रहे हैं। जो आदमी अच्छा काम करेगा उसके लिए बुरा पक्ष भी तैयार रहता है उसकी बुराई करके, और ये यूट्यूबर का काम है, क्योंकि अच्छाई करके उसको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, उसको बुराई करके ज्यादा पैसा मिलेगा। तो दिखाया वीडियो अब उसके दिमाग से एक चीज खत्म हो जाएगी कि भाई अब तो मेरे को ना इन्हीं के साथ काम करना है, कितना ट्रांसपेरेंट है। प्रोस एंड कॉन्स इसे कहते हैं, अपने कमियां भी बताओ, अपने पीएलसी के बारे में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये एक यूटिलिटी कॉइन है, इसका टाइम लगेगा, 10 साल का प्रोग्राम है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मार्केट में बेचने की कोशिश के चक्कर में इसको डाउन किया। कहना क्रिप्टो ही क्या सर, अगर गोल्ड की क्वांटिटी, अगर आप सोचो माइनिंग, गोल्ड की माइनिंग बढ़ जाए एकदम, तो क्या होगा, यानी कि
प्रोडक्ट प्रोक्योर करने का कॉस्ट कम होगा, कम होगा तो गोल्ड की वैल्यू गिरेगी, गोल्ड की वैल्यू गिरेगी तो लोग गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे, बेचना ज्यादा शुरू कर देंगे। ये हर जगह है, मार्केट को स्ट्रेटेजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्लान का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, मैं रोज रोज नए नए तरीके से दे रहा हूं और लोगों से पूछ रहा हूं कि रिकॉर्ड, कल हमने जूम के अंदर एक लाइव क्लोजिंग करी है, आप लोग शाम को जूम में नहीं थे, जूम की प्रेजेंटेशन के बाद एक बंदे ने टेस्टिमोनियल दिया, सर 1100 यूरो के हमने दो पैकेज बुक किए हैं आपकी प्रेजेंटेशन देखकर। कल दिन में किसी पंजाब की एक टीम में संदीप कंबोज है, उनका फोन आया किसी कस्टमर, मैं कस्टमर से बात नहीं करता हूं, ये आपने प्रचलन नहीं मचाना है, लेकिन उन्होंने मेरे से बात कराई और उसके बाद 6.5 लाख रुपए उनसे लिया और मेरे ख्याल से ये 5500 यूरो का फॉर्म उन्होंने भी फाइनल किया। सर ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है प्रैक्टिस, आई से वन थिंग, प्रैक्टिस 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 कैन नॉट मेक यू परफेक्ट। लोग बोलते ना परफेक्ट, मैं कहता हूँ कैन नॉट मेक यू परफेक्ट, लेकिन हर दिन आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जा रहे हो, अपना बेटर वर्जन कन्वर्ट होते जा रहे हो, यानी कि आज संजू थॉमस अल्फा स्टेज पे है, कल बीटा पे होगा, कल उसके बाद गामा पे, आपका रोज इंप्रूवमेंट है। ओनली डेड बॉडीज नेवर चेंज, मरा हुआ आदमी का कोई चेंज नहीं होता, जो आदमी जिंदा उसमें चेंज आना चाहिए, रोज आना चाहिए। हम में से कितने लोग आज एक ऑनेस्ट आप लोगों से बात करते, कितने लोगों की अंग्रेजी तंग है बताओ, ऑनेस्ट होना चाहिए ओपिनियन, हाथ खड़े करें यस। ये बात क्या है, अंग्रेजी सीखने का तरीका आज बता देते हैं, बहुत सिंपल, हम 5 वर्ड्स रोज सीख सकते हैं, हाथ खड़े करिए सर 5 वर्ड्स। मैं इसको लाइव करना चाह रहा हूं कि हम लोगों की कम्युनिटी किस तरफ बढ़ सकती है, 5 वर्ड्स रोज सीख सकते हैं सर, 5 वर्ड्स डिक्शनरी में मतलब 5 वर्ड्स, यस एग्जैक्टली 5 वर्ड्स, उसका सेंटेंस यूज करना मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट का प्रोसेस है। अपने लिए तो योगा करते हैं, वोगा करते हैं, लेकिन अपने स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। 5 वर्ड्स याद करने हैं रोज, मतलब सीखना है उसका, उसके सेंटेंस यूज करना सीखना है। महीने में कितना दिन होगा, कितने वर्ड्स हो जाएंगे महीने में, महीने में हो जाएंगे 150 वर्ड, राइट। साल भर में लगा लो, सबकी कैलकुलेशन बढ़िया है, 150 × 12 कितने होते हैं, हो गए कम से कम 1000 वर्ड से। चलो आज आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, 1000 इंग्लिश वर्ड जिसने सीख लिया उसको बोलना आ गया, 1000 वर्ड्स जिसने सीख लिया उसको बोलना आ गया, और जिसके पास 2000 वर्ड्स हो गए इंग्लिश वोकैबुलरी के, उसको आप समझ लो लिखना पब्लिक स्पीकिंग शुरू हो गया, स्टेज पे बोलना शुरू कर देगा वो। और जिसने 3000 से ऊपर वर्ड सीख लिए पूरे साल के अंदर, 1.5 साल में 2 साल में, और वो आदमी आज की डेट में एक पूरी किताब लिख सकता है। इट्स सो सिंपल। और हमारे साथ हमने कितनी बार ना किया यार, इंग्लिश अपने बस की नहीं है, इंग्लिश हम बोल नहीं सकते, ये हमने 1000 बार बोला होगा, अगर वो 1000 बार ही आपने इंग्लिश के एक एक वर्ड भी सीख लिया होता तो आज हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हिंदी भाषा में प्रॉब्लम है, रीजनल लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हमें अपने स्किल को डेवलप करना है। मैं ओवरऑल बात करता हूँ, टेक्निकल बाद में बनेंगे, पहले हमारा कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जो बोलते हो सामने वाला उसी से आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अगर आपने अच्छी इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी, कम्युनिकेशन अच्छा शुरू कर दिया, टेक्निकली थोड़ा समझाने लगा, सॉफ्ट स्किल में उनको इंप्रेस कर दिया। सर दो तरह के सेल्समैन है, एक माल बेचने के लिए सच झूठ और पता नहीं क्या क्या कलाएं दिखाते हैं, राइट, उसके बाद फोन उठाना भी बंद कर देगा। दूसरा एक सेल्स पर्सन ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, टेक्निकल है, स्किल है, कंप्यूटर मोबाइल सबके ऑपरेशंस जानता है, एक्सचेंज में काम करना जानता है, उसको मेल डालना आता है, उसको कम्युनिकेशन प्रॉपर करना आता है। आप अगर आपके पास ऐसा दो सेल्समैन आए, आप किसको चॉइस करोगे, 1 या 2? मैं रिएक्शन चाहता हूं, चैट बॉक्स को थोड़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं इसमें, अगर हो जाता है तो, क्योंकि ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहा है। यस चैट बॉक्स ओपन है, देखो आपके सामने सबने 2 बोला, तो आपको 2 बनना है, 1 नहीं बनना है।
क्योंकि माल बेचने की तैयारी में रहते हैं, माल नहीं बेचना है आपको, खुद को बेचना है। बेचने का मतलब आप पहले बिकते हो, आपकी ऑरा बिकती, आपकी पर्सनालिटी बिकती, आपके बोलने का तरीका बिकता है, रेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो आपसे इंप्रेस होके लेता है। ऐसा कितनी बार हुआ है, हम लोग बिजनेस प्लान देते हैं, कस्टमर क्लोज हो जाता है, उस टाइम कस्टमर को ये समझ ही नहीं आता, वो एक ऑरा में फंस जाता है, वो कहता है यार मजा आ गया सर आपके साथ काम करना है। आप इस ऑरा में आ सकते हो, लेकिन इंच बाय इंच, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, मल्टी, हम सारे जो हुए हैं मल्टीटास्किंग है, हम सारे काम एक साथ करने लगते हैं। हम फोन पे बात करते हैं, जूम भी सुनते हैं, हम वाइफ से भी बात कर लेते हैं, इस दौरान बच्चों को तैयार भी कर लेते हैं, ये सारे काम करने की कोशिश कर। मल्टीटास्कर मत बनो अभी, मल्टीटास्कर इज द डेंजरस प्रॉब्लम। अगर लाइफ के अंदर मल्टीटास्कर बन गए ना आप, क्योंकि मल्टीटास्कर का मतलब ये नहीं है वन टाइम वन जॉब डन। जितने लोगों के फार्म वार्म में दिक्कत आती है, जिनके कॉइन इधर उधर चलाते हैं, वो पता क्या कर रहे होते हैं, एक जगह पे फार्म लगा रहे होते हैं, एक जगह पे वॉलेट लगा रहे होते हैं, दूसरी जगह से कॉइन भेज रहे होते हैं, चौथे से सीनियर से बात कर रहे होते हैं, पांचवे में एलेक्सर का मैसेज सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये आपको डेंजरस सिचुएशन पे ले आती है। कोई भी काम परफेक्ट लेवल पे नहीं होता, सब बिखर जाता है। आपको काम, आदमी जो है ना वो मल्टीटास्कर नहीं है। औरतों को मैं बोलता नहीं हूं, बिकॉज औरतें मल्टीटास्कर पैदाइशी है, वो कर सकते हैं 10 काम एक साथ, आदमी नहीं हो सकता। आदमी को एक टाइम में कंसंट्रेट करके एक काम को करना चाहिए। अगर जूम पे है तो फोन साइलेंट, सीनियर से भी बात नहीं करनी। कस्टमर 1 करोड़ रुपए लेके बैठा है, अगर आपने इंपॉर्टेंस दिखा दिया कि सर मैं 7 से 8 जूम पे होता हूं सर, और प्लीज 8 बजे के बाद आप मुझे फोन करें। आप अपनी टाइमिंग शेड्यूल बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ लाइफ के अंदर। देखो कितना मजा आता है लोगों का काम करने का। आज लोग अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस में आते हैं, कोई भी बंदा बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आता। उसका रीजन, एक डिसिप्लिन बनाए। कोई ऑफिस में आता है ये नहीं हम उनकी इज्जत नहीं करते, बट अगर वो अगर कस्टमर भी है, वो अचानक आता है कहते सर मेरे को फॉर्म लगाना है, सॉरी वी हैव ए पर्टिकुलर टाइम, मेरा जूम चल रहा है, 1 करोड़ का बिजनेस साइड में, पहले जूम चलेगा उसके बाद आपसे बात करूंगा। ये मैं रिजिड नहीं हो रहा हूं, आपको बनना पड़ेगा। आप कभी भी चले जाओ किसी भी बड़े कॉर्पोरेट से, डॉक्टर प्रोफेशनल की तरफ काम करो ना। व्हाई नेटवर्कर्स आर कंसिडर्ड एज द लोएस्ट इन प्रोफेशन, पूरी कम्युनिटी को देख लो, सबसे लोएस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज उनको आदत होती है नॉक नॉक, अचानक पहुंचना, प्लान देना, खड़े खड़े चाय की दुकान पे प्लान दे देते हैं लोग, करोड़ों रुपए की बात करते हैं, कहां दे रहे, टपरी पे बैठ के। आप टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हो, दुनिया के टॉप क्रिप्टो करेंसी के प्रोमिनेंट फिगर जिसका नाम एलेक्स है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो चाय की टपड़ी में, एक पेपर के ऊपर पूरा पैकेज बता के आप अपने ही नहीं पूरी कम्युनिटी की बेइज्जती कर रहे हो। आपको काम क्या करना चाहिए? आप में से कितने लोग मेरे ख्याल से पर्ल से अबव होंगे? आपको अपना जैसे बिजनेस आप करते हो, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। कॉफी हाउस बुलाओ, ऐसी कॉफी हाउस ढूंढो जहां का मालिक सबसे खाली बैठा हुआ इस टाइम। उसको एक ही बात बोलो, सर आपके पास मेरे 10 लोग आएंगे, कॉफी का बिल मैं पे करूंगा, लेकिन मुझे आपके कुछ खाने पाने से कोई मतलब नहीं, मुझे कॉफी बढ़िया चाहिए, नहीं आती रेसिपी तो ये है। ताकि जो भी आदमी आए कहेगा सर कॉफी बहुत बढ़िया पिलाइए। आप यही भी काम कर सकते हैं। जिसका धंधा ऐड होता है ना, जब वो खाली बैठा होता है और आपके 10 लोग आने लगते हैं, वो खड़ा होगा मालिक भी, क्या सर ऐसा कस्टमर चाहिए मुझे। अब क्या होगा, वो कस्टमर पूछेगा, कहीं ना कहीं उसका उसका दिमाग में, वो होटल वाले के दिमाग में रहता है ये कुछ बड़ा काम कर रहा है भाई, इसको मिलने 10 लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और ये नहीं जा रहा। तो वो क्या कहेगा, कॉफी वाला भी पूछेगा, जो होटल का मालिक, सर मुझे भी बताओ, मुझे भी आपके साथ काम करना है, मेरा धंधा तो वैसे भी कम चल रहा है। You identify the things. लोग कहाँ जाते हैं, जहां भीड़ लगी होती है वहीं चले जाते हैं कि भाई इसके भटूरे की दुकान बढ़िया चल रही है, वहीं जाके खाते हैं, धक्का खा के लाइन लग के, उसको कोई मतलब नहीं, वो लाखों रुपए कमा रहा है, आपके क्रिप्टो में कितना भी बड़ा काम कर लो नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसे लोगों को देखो जिनके होटल्स नहीं चल रहे, आप ऐसी जगह देखो जिसकी दुकान नहीं चल रही, वहां जाना शुरू करो। वहां पे जब आप बात करते हैं, यूरो भेज रहा हूं भाई, USDT भेज दे,
ये कर लो वो कर लो, अच्छा कितना आया कमीशन, अच्छा 1,20,00,000 रुपए की रैंकिंग आई है इसकी। जब आप ये बात करते हो, जो दुकानदार है उसके दिल धक धक करने लगता है, वो कहता है यार यहाँ तो INR में वांदे पड़ रहे हैं और तुम बात कर रहे हो यूरो में, USDT में, भाई साहब मुझे भी बताओ। क्योंकि दुकानदार ने 20-25 लाख रुपए लगा के उस बिजनेस को किया होता है। अब वो इस 20-25 लाख की रिकवरी नहीं कर पा रहा, धंधे में बैठ गया है। अब उसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर धंधा छोड़ूंगा तो बापू मारेगा, राइट? धंधा नहीं छोड़ूंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। उनको एक पैटर्न बना पड़ा है कि 3 साल 5 साल 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी तो दुकान एक 20-25 हजार 40 हजार 50 हजार। जिन्होंने दुकानें की है उनको पता है बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपने जब उसके बारे में बताना शुरू किया, उसको उसी टाइम मत बताओ, उसको ये बोलो सर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप चाहे बिल्कुल खाली हो डायरी नोट लिखो, उसके अंदर डायरी में देखो सर सॉरी मैं अभी तो मेरा कुछ अपॉइंटमेंट है, आज नहीं बात करूंगा कल बात करूंगा। मैंने ये काम लाइव करके अपने लोगों को दिखाया है, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। जी सर कुछ बोलना चाह रहे आप? हाँ सर, एक ना अभी एक आपने मैसेज वो कर दिया और सभी लोग अपने नंबर डाल रहे हैं इस पे ग्रुप में, ये अच्छी बात नहीं है सर। इनको एक बार कह दो सर ये भाई यहाँ नंबर ना डालें, पर्सनल उसमें डालें, इन्होंने नंबर डालने शुरू कर दिए, शायद आप PPT डालेंगे यहाँ पे कोई PPT नहीं डालेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलमोस्ट सबके पास है और अभी डाल भी देता हूँ मैं अपना नंबर, उसके बाद प्लीज चैट बॉक्स को मैंने एनेबल कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। बिल्कुल नंबर क्यों डाल दो भाई लोग, नंबर मत डाला करो, नंबर डालने से अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है एक दूसरे से आप लोग। और यही चीज वहां पे हुई, जब आप प्लान दे रहे थे तो लोग अपने नंबर डाल रहे थे वहां पे, कोई ये कह रहा था मुझे PPT चाहिए, मुझे प्लान चाहिए, ये चाहिए। सर जो भी हो वो अपने पर्सनल ग्रुप पे बात करे, ना कि वो मेन ग्रुप में आके बात करे। चलो मैंने नंबर डाल दिया सर, नंबर डालने का मतलब यह है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर से मुझे सिर्फ हाय नाम जरूर लिखे, मैं आई डोंट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। मुझसे कई लोगों का मैसेज आता है PPT सेंड कर दो, ये सेंड कर दो, वो सेंड कर दो, भाई साहब अपना नाम तो बताए। आपको व्हाट्सएप में भी है ना, व्हाट्सएप पे ही बात करना नहीं आता तो आप कस्टमर से क्या बात करेंगे? अगर आप ऑर्डर ही देना है तो ऑर्डर देना है तो भाई साहब घर में ऑर्डर दो, जो आपके टीम में है उसको ऑर्डर दो, टीम को भी ऑर्डर क्यों देते हो? इतना मतलब है, एटिकेट्स तो इतने होने चाहिए कि आदमी ये रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा और ऑर्डर दे रहा है। चलो हमने ये रिक्वेस्ट की नहीं बोला, अपना नाम तो लिखो कम से कम, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरी अपलाइन है, ये सब लोग ये करना पड़ेगा। आपको अपने डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग एंड थॉट्स आपको ऑब्सोलीट कर दी, जैसे नोकिया को नो कर दिया ना सबने, इसी तरफ आप लोगों को नो कर देंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड में फर्क नहीं आ रहा। आप काम टेक्नोलॉजी का कर रहे हो लेकिन एटीट्यूड वही है, राइट? तो ये काम नहीं करना है अपने तरीके से। मिस कॉल मार रहे हैं लोग बैठे बैठे ही व्हाट्सएप पे, ये आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो सर। आपको रिफाइन होना पड़ेगा। सोचो आप अभी इतने सालों में जो आप सोचते आए हो वही करते आए हो, जो आप करते आए वही करते रहोगे, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा? वही मिलेगा जो आपको मिलता है। तो आपको करना क्या है? चेंज योर एटीट्यूड। अंग्रेजी के एटीट्यूड का आप पूरा आप फिगर को गिन ले, काउंट कर ले, एटीट्यूड को काउंट कर ले, ए से लेकर जेड तक का काउंट कर ले। अगर वो टोटल करेंगे तो वो 100% आता है। नो अदर वर्ड गिव्स यू 100% रिजल्ट। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड विल ब्रिंग अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, आपकी कैरेक्टर का, आपकी पर्सनालिटी का, आपके ग्रोथ का अल्टीट्यूड कैसे डिसाइड होगा? आपके एटीट्यूड पे। आप वैसे ही हो जैसे थे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, एक सेकंड के लिए मेरे को एक ब्रेक दीजिए, क्योंकि मेरा फोन बार बार मिस कॉल मार रहे हैं लोग। मैं चाह रहा हूं कि इसको कमरे से निकाल दूं यहां से, लोग व्हाट्सएप पे मिस कॉल मार रहे हैं। बताऊं, फोन ले जाइए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी आज का टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट 8:31 हो चुका है, हम ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। आज हमारे साथ में कोई सीनियर है तो उनकी टेस्टिमोनियल लेते हैं। स्वामी सर है क्या?
स्वामी सर नहीं है, ललित त्यागी सर है, ललित सर है ना, ललित सर को लेते हैं, ललित सर वेरी गुड, ललित सर ने हैंड रेज किया हुआ है, देखो ये होता है तरीका काम करने का, ललित सर ने हैंड रेज किया है कि मेरे को कुछ बोलना है, और ये नहीं कि उन्होंने सीधा अनम्यूट किया। ललित सर मैं आपका स्वागत करता हूँ जोरदार, प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ यू, आपका भी जज्बा कमाल का है, सुबह और शाम हर सेशन में आप होते हो, जहां तक पॉसिबिलिटीज होती है आप टीम को सपोर्ट करते हो, आपका जेस्चर, आई सैल्यूट यू सर एंड आई वेलकम यू टू दिस वंडरफुल फैमिली ऑफ आवर जूम कॉफी विद डायमंड। सर ललित सर को बोलो सर, हम उनका चेहरा भी देखना चाहें सर, ललित ललित सर के वहां पे ना कुछ नेटवर्क का इशू रहता है, वहाँ गांव के साइड में कुछ नेटवर्क का इश्यू होता है, इसलिए वो वीडियो ऑफ करते हैं ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, बाकी चेहरा एक बार दिखा देंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ललित सर ओवर टू यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अगर एक्चुअली क्या है सतीश सर, मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी देर बाद ना मेरी आवाज आनी बंद हो जाएगी। ठीक है सर, एक बार दिखा दे करो ना सर, ये खूब चेहरा में नजर आ जाए, फिर बेसिक ऑफ कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी लोगों को नमस्कार, और थॉमस सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों की तरफ से, जितने भी हम यहाँ 800-900 लोग हैं, सब आपको नमन करते हैं, थैंक्स करते हैं, आपने सुबह शाम का जो बीड़ा उठाया है हम सबका कोच बन के, हम सबको एजुकेट करने का। तो सर एक मैं वादा करता हूँ आपको, सबकी तरफ से एक दिन आपको फख्र होगा अपनी इस टीम के ऊपर, जिस दिन 1000 ट्रिपल प्लेटिन डायमंड अगले 3 साल के बाद आपके पीछे खड़े होंगे, और आगे हमारे कोच खड़े होंगे थॉमस सर, और जिस दिन फक्र से सर का सीना छोड़ा होगा और सर कहेंगे ये कमाया है मैंने, तो थॉमस सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सर मैं एक्चुअली 100 मिनट्स लिए किया था कि आज और कल का दिन हमारे पास बचा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के बाद मिंटिंग का रेशो 20% कम हो रहा है, प्लस जो अभी मैक्स लोड हमें मिल रहा है, एलेक्स सर बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी जो हमें मैक्स लोड मिल रहा है वो मिल रहा है $50,000 के अकॉर्डिंग, जबकि कॉइन का रेट आपको पता है बहुत ज्यादा है, तो ये भी संभव है कि कल के बाद जो हम फार्म खरीदेंगे, सपोज एक व्यक्ति आज 1,00,000 रुपए का फार्म खरीदता है 1100 यूरो का, तो उसमें उसको कितना मैक्स लोड मिलता है आपको पता है, तो उसका जस्ट हाफ हो सकता है, ये पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि एलेक्स सर का जो कल भी वॉइस नोट आया था, मैसेज आया था, उसमें भी यही उन्होंने बोला था कि मिंटिंग फैक्टर तो कम होगा ही होगा, लेकिन साथ में मैक्स लोड भी कम होगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि जितने पैसे में अभी हमें जितना मैक्स लोड मिल रहा है, हो सकता है कल के बाद उसके लिए हमें दुगने पैसे खर्च करने पड़े। तो सर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये आज का और कल का दिन हमारे पास है, कल रात को हमें नहीं जाना है, कल दिन तक ही अपनी क्लोजिंग को हमें खत्म करना है, क्योंकि हो सकता है रात को हम अगर क्लोजिंग करने जाएं तो वहां पे साइट बिजी हो जाए या बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आ जाती है इंटरनेट वगैरह की, तो हमें कल शाम तक ही अपना पूरा बिजनेस लॉगिन करना है, और पूरी टीम बड़ी फायर के साथ काम कर रही है, क्योंकि सर कल तक एक मौका और है हमारे पास सतीश सर, कि कल तक जो भी व्यक्ति अपने डायरेक्ट में बिजनेस करेगा तो उसको 40% आएगा, और कल के बाद यानी 1 नवंबर से जो बिजनेस करेगा डायरेक्ट में उसको 30% आएगा। तो जो भी आपके ऐसे नियर डियर 2, 5, 10 कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपको अगले 2 दिन के बाद पैसे देने वाले थे, तो आप उनको कह सकते हो कि भाई आप कल तक ही मुझे पैसे दो, कल हमारी क्लोजिंग है, अगर आप 2 दिन बाद पैसे दोगे, 2 दिन बाद फार्म खरीदोगे, उसमें कॉइन रखोगे, तो आपको 20% कम आएगा ईयरली। तो ये हम लोगों को जेन्युइनली एक हम उनको रीजन दे सकते हैं कि हम उनको क्यों कह रहे हैं कि आप कल तक ही अपना फार्म खरीदो। अगर कोई डायमंड लेवल जिनका रैंक थोड़े थोड़े से नीचे, किसी का $1,000 से 2,000 से, अगर वो भी रैंक अपने क्लियर कर रहे हैं 1-2 दिन में सर, उनका भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि नवंबर से रैंक इंसेंटिव भी कम होने जा रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया सर, सर ने बताया, आप समझ गए होंगे सब लोग, कि जिनकी कोई भी रैंक, आज कोई एमराल्ड है उसको डायमंड जाना है, कोई डायमंड है
थोड़ा सा बचा हुआ है ब्लू के लिए, तो अगर वो कल तक थोड़ी मेहनत करके अपना क्लियर करता है तो उसको ज्यादा रैंक बोनस आएगा, क्योंकि पहली तारीख से हमारे रैंक बोनस भी रिवाइज हो रहे हैं। पहली तारीख से हमारा जो फर्स्ट लेवल का बोनस है वो भी रिवाइज हो रहा है। तो साथियों, कल का और आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम फील्ड में निकलते हैं सभी लोग। मैं भी रेडी हूँ, सतीश सर भी रेडी है, आप सब भी रेडी है। तो आज हमें शाम तक बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना है, और शाम को 7 बजे फिर हम थॉमस सर के साथ यहाँ होंगे। थॉमस सर शाम को फिर हमें गाइड करेंगे कि हमें और बेहतर से बेहतर कैसे बनना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो सतीश सर, मैं तो इतना ही कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था, ताकि ये कल का और आज का दिन हमारे पास 24 घंटे है, ये तो इनको हम बहुत तरीके से हम इनको यूज करें, और मैक्सिमम लोगों को हम 20% एक्स्ट्रा मिंटिंग का बेनिफिट दें, और उनको मैक्स लोड भी ज्यादा दे सकते हैं। अभी हम कल के बाद हो सकता है मैक्स लोड कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों का लॉस होगा। तो थैंक यू सतीश सर, अब मीटिंग को ओवर करते हैं, फील्ड में निकलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर। तो आज का मीटिंग यहाँ पे खत्म करते हैं, अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें काम पे जाना है और बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है। सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एथिकली काम करें, ट्रांसपेरेंट काम करें, कस्टमर के बेनिफिट में काम करें, और अपने सीनियर की अपनी इज्जत को मेंटेन करें। लाइफ बिल्कुल कहते हैं ना, मस्त हो जाएगा, झींगा लाला हो जाएगा। तो आप सबको आज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं शाम को 7 बजे, और वही डिस्कशन टीपीटी के ऊपर होगी, उसके बाद हम टेक्निकल ट्रेनिंग में जाएंगे। तब तक के लिए 10 विदानिया, अलविदा, शब्बा खैर एंड गुड नाइट।